हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्लास में मैंने मोड भी बताया था कि मोड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, और उसके पहले हमने मीन भी निकालना सीखा था। मीन को अलग अलग तीन मेथड हमने सीखा था। तो ये तो हो गया मीन एंड मोड। तो आज के क्लास में अपन मोड जो बचा है तीसरा वाला, जो मीडियन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस टॉपिक पे जंप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि है कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम में ही सब कुछ है। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी एक चीज कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे कि कोई डेटा में कोई एक पर्टिकुलर फिगर या फिर कोई नंबर कितनी बार प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर ये टेबल में देखोगे तो एज और फ्रीक्वेंसी दो टेबल दिए हैं। तो 10 इयर्स के बच्चे कितने हैं, 10 साल के 3 बच्चे हैं, 11 साल के 18 बच्चे हैं। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज है। और क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव का अगर तुम डिक्शनरी में मीनिंग जाके देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी तक जितना भी आया है उसका सबका सम। क्यूमुलेटिव मतलब सम सो फार, ठीक है, एडिशन ऑफ थिंग्स सो फार। तो ये होता है क्यूमुलेटिव। तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसी भी एक क्लास या किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का अगर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालना होगा तो वो क्या होगा, वो रहेगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट गिवन क्लास। कि उस क्लास तक जितने भी पहले फ्रीक्वेंसीज आ चुके हैं उन सबका सम। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है। हम लोग इसको कई बार इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर जो भी हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे कि देखो ये एज, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग जो भी टेबल बनाते हैं जिसमें क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं बताऊंगा आगे और भी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तुम लोग को क्लियर करता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा के लिए तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है, या फिर टेबल बोलो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो सेम चीज है, ठीक है। तो हमेशा जो भी मैंने कहा था याद रखना, टेबल को वर्टिकल बनाना, हॉरिजॉन्टल अवॉइड करना, ठीक है। कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा वर्टिकल बनाया जाए, ठीक है। यहां पे पहले फर्स्ट टाइम लिख देता हूं चित्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, टेबल बनाना ही बहुत सिंपल सा टास्क है। अच्छा, तुम लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अचानक कहां से आ, सीधा मीडियन पढ़ाना। देखो ये मीडियन जो कंसेप्ट है वो मीडियन का जो भी कंसेप्ट है वो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होने वाला है। इसलिए जब तक तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते आगे मीडियम पढ़ना, ठीक है। इसलिए मैंने पहले सोचा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले पढ़ाया जाए और उसके बाद जो भी हमारा मीडियम बचा है ग्रुप डन अनग्रुप डेटा का उसको कवर करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा टेबल बनाते हैं। एज 10, फ्रीक्वेंसी 3, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है, एक्स्ट्रा मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। इस तरीके से टेबल फटाफट बना लो, उनके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी लिखते जाओ। ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब टेबल में तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एक और एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू द गिवन क्लास। तो मतलब ये जो गिवन क्लास है तो उस पॉइंट तक जितने भी फ्रीक्वेंसीज आए हैं ऊपर से तो वो सबको ऐड करो। जैसे कि ये तो पहला ही है, तो यहां पे पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे 3। फिर नेक्स्ट इस क्लास में 11 वाले इयर्स के क्लास ग्रुप में इसमें देख सकते हो 18 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट गिवन क्लास। इस क्लास तक ऊपर से इस क्लास तक जितने भी लोग आए हैं उन सबका एडिशन, यानी ये बन जाएगा ऊपर में 3 है और 18 है तो ये बन गया 3 और 18 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे 13 आ रहा है तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अब तक कितना हो गया, देखो ये 21 हो गया, तो 21 में फर्दर तुम्हें ये वाला और ऐड करना है विच इज 13, तो ये बन जाएगा कितना 34। सिमिलरली 34 में ये वाले क्लास का ऐड करना है और 12, तो ये बन जाएगा देखो कितना 46, और 46 में वापिस से 7 ऐड करो तो ये बन जाएगा कितना 53, और फाइनली 53 में 27 ऐड करो तो ये बन जाएगा कितना 80। तो देख सकते हो एक्चुअल में क्या, देखो ये 3 कैसे आया, ये तो इसका है। 21 कैसे आया, 3 प्लस 18 21। 34 कैसे आया, 3 प्लस 18 प्लस 13, तो ये तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो 34।
46 कैसे आया, 3 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 12। तो देख सकते हो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट गिवन क्लास जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हो गया काम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब इसका काम क्या आएगा वो सब मैं मीडिया जब स्टार्ट करूंगा तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना अच्छे से सीखो। लेकिन अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। दोनों में छोटा सा अंतर है बस। ये देखो जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक्चुअल में लेस देन टाइप है। लेस देन टाइप का मतलब क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मार्क्स आउट ऑफ 100 एक मतलब एक एग्जाम में 58 स्टूडेंट्स के जो मतलब टोटल स्टूडेंट्स 58 थे उनके मार्क्स अगर निकालने गए तो आउट ऑफ 100 में से जो भी मार्क्स आए हैं वो सब लिखे हैं। तो देखो 0 से 10 में 5 लोग मार्क्स लाए हैं, 10 से 20 मार्क्स 7 लोग लाए हैं, मतलब 10 से 20 के बीच में 7 लोग लाए हैं, 20 से 30 4 लोग, ऐसे 90 to 100 मार्क्स है वो 7 लोग लाए हैं। तो हमारे पास एक टेबल दिया है जिसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रोज बनाए गए हैं, ठीक है। हमें बनाना है फॉर्म द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेस देन टाइप का मतलब क्या है तुम लोग बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मार्क्स लिख दो पहला कॉलम, और मार्क्स में जो फर्स्ट कॉलम में इसमें यहां पे क्या क्या लिखते जाओगे तुम देखते जाना, अभी समझ में आएगा तुम्हें। यहां पे लिखो सबसे पहला लेस देन, तो देखो यहां पे 0 से 10 है तो तुम हमेशा लेस देन 10 की बात करोगे, मतलब 10 से कम। फिर उसके बाद लेस देन हर कॉलम का हर जो मार्क्स है उनमें जो अपर लिमिट है उसको लेते जाओगे, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, सो अंटिल जो लास्ट तक जाना है पूरा अच्छे से, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100। तो ये पहला लेस देन वाला टाइप बता रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले ये कवर करेंगे, ठीक है। कॉलम अच्छे से बना लेना पूरा, ये हो गया मार्क्स के लिए। फिर अब तुम्हें लिखना है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम चाहिए तो सबका पहले फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली तुम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, लेस देन और मोर देन टाइप में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहां पे हमने क्या लिखा, लेस देन 10, लेस देन 20। तो सोचो 0 से 10 में 5 लोग हैं तो मतलब मार्क्स जिनके 10 से कम आए हैं तो वो कितने लोग हैं, तो बाय डिफॉल्ट हो तो 5 ही आ जाएंगे, सोचो ये चीज। सिमिलरली लेस देन 20 में देखो 20 से कम कितने लोग हैं, मतलब 20 से कम मार्क्स स्कोर कितने लोगों ने किया है। तो देखो 10 से 20 मार्क्स 7 लोगों ने स्कोर किया है और 0 से 10 मार्क्स 5 लोगों ने स्कोर किया है, मतलब 20 से कम कितने लोग हैं, 7 और 5 यानी 5 + 7 विच इज इक्वल टू 12। देखते जाओगे तो ये एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे किया है ना वही सेम चीज चल रही है। फिर उसके बाद लेस देन 30, तो लेस देन 20 में जितने भी लोग थे उसमें और ये वाले भी लोग ऐड हो जाएंगे, यानी 12, ये जो 12 लोग हो गए थे वो लेस देन 20 है। सोचो अगर ये चीज कि अगर लेस देन 30 की बात कर रहे हैं, 30 या फिर 30 से कम, तो 30 से कम में जो भी लोग लेस देन 20 आ रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये तो 12 लोग जो 20 से कम है वो 30 से भी कम रहेंगे ही, तो ये 12 लोग में और ये 4 लोग और एडअप हो जाएंगे, तो 12 + 4 विच इज 16। फिर फर्दर लेस देन 40 में ये 16 लोग में और 2 लोग एडअप हो जाएंगे, 18। फिर 18 में और ये 3 लोग एडअप हो जाएंगे। तो देख सकते हो हर बार जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं ऐड करते जा रहा हूं, 18 + 3 विच इज 21। फिर 21 प्लस लेस देन 60, देखो 50 to 60 में से 6 है तो 6 ऐड करो, 27। फिर 27 प्लस 7 लोग 60 से 70 में तो ये हो जाएगा 34। फिर 34 में और कितने देखो 9 लोग हैं, ठीक है, 34 प्लस यहाँ पे लेस देन 80 करना है तो 70 से 80 में 9 लोग हैं, तो 34 प्लस 9 43। फिर 43 में और 8 लोग ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 51। फर्दर 51 में और लास्ट में 90 to 100 में कितने लोग हैं 7, तो ये ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 58। अगर नोटिस करोगे तो हमें क्वेश्चन में दिया था देखो टोटल 58 स्टूडेंट्स हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी
वो बाय डिफॉल्ट 58 आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है वही आना चाहिए ना, क्योंकि सोचोगे लेस देन 100 तो सभी बच्चों के तो 100 से तो कम ही मार्क्स आए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि लेस 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए लेस देन 100 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हेंस यहाँ पे जो फाइनल जो आंसर रहेगा, यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो 80 58, तो ये देख सकते हो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज बोलो, तो ये लास्ट प्लस का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है वो टोटल समेशन FI रहता है। तुम अगर इसका यहाँ पे देखोगे याद होगा तो समेशन FI यानी सारे फ्रीक्वेंसीज का अगर सम करोगे तो वो आना चाहिए 80। तो इस तरीके से जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्चुअल में सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेस देन टाइप। सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड पार्ट करना है मोर देन टाइप, अब मोर देन टाइप में तुम लोगों को होपफुली आइडिया तो आ ही गया होगा अभी तक, ठीक है। बस यहाँ पे मोर देन टाइप में डिफरेंस क्या है कि मार्क्स तो वैसे ही वो तो कॉलम पहला वाला वही रहने वाला है, बस यहाँ पे लेस देन की जगह क्या आ जाएगा मोर देन। अब लेकिन अब मोर देन पहला जो केस है देखो 0 से 10, तो पहला केस हमें लोअर लिमिट में लेना है, ठीक है। मोर देन की बात कर रहे हैं तो मोर देन 0, फिर उसके बाद मोर देन नेक्स्ट का लोअर लिमिट 10, फिर मोर देन कितना आएगा सोचो ये 20, फिर मोर देन 30, ऐसे जाते रहो मोर देन 40। तो ये दो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है लेस देन और मोर देन में, दोनों में कुछ कुछ अलग होगा, बताऊंगा अभी क्या अलग होगा, पहले लिख लेते फटाफट सब कुछ। मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80 एंड लास्ट में आएगा मोर देन 90। देख सकते हैं लास्ट में जो लोअर लिमिट है वो 90 है, तो लास्ट वाला बनेगा मोर देन 90। एक देख लो एक बार ये सब चीजें अच्छे से प्रॉपर वे से, अब इनका भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे प्रॉपर वे से, ठीक है। देख सकते हो टोटल 10 केसेस हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से 10 केसेस, जैसे कि यहाँ पे 10 केसेस बने थे यहाँ पे भी 10 केसेस ऐसे बनेंगे। तो ये तो हो गया मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ये सब मोर का। अब ये लेस का है तो दोनों में डिफरेंस क्या देखो। अब मोर देन 0 तो यहां पे क्या था, यहां पे धीरे धीरे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही थी, ठीक है। यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटते जाएगी, क्योंकि सोचो मोर देन 0 तो 0 से ज्यादा कितने लोगों ने स्कोर किया है, तो बट ऑब्वियस होना चाहिए कि 0 से ज्यादा सभी ने स्कोर किया है जो भी स्टूडेंट्स है, तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी अपनी है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 58, तो मोर देन 0 हमारे कितने आएंगे 58 ही तो आएंगे, 58 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है मोर देन 0, सभी ने तो स्कोर किया होगा। फिर उसके बाद मोर देन 10, तो 10 लोगों से मतलब 10 मार्क्स से ज्यादा कितने लोगों ने स्कोर किया है, तो तुम ये देखो 10 मार्क्स से कम कितने लोगों ने स्कोर किया है, तो 0 से 10 में 5 लोग हैं, तो उसको उन 5 लोगों को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा 58 में से, तो ये बन जाएगा 58 माइनस 5, तो 58 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। फिर देखो मोर देन 20, तो मोर देन 20 में मतलब ऐसे लोग कितने लोग हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा स्कोर किया है, मतलब मुझे ये 5 लोग और ये 7 लोग को दोनों को हटाना पड़ेगा, या फिर तुम ऐसे सोचो मोर देन 10, 10 से ज्यादा लोग कितने मतलब 10 मार्क्स से ज्यादा 53 लोगों ने स्कोर किया है, तो 20 मार्क्स से ज्यादा तुम्हें 53 में से और भी लोग सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो कि 10 से 10 से 20 मार्क्स के बीच में थे, तो मुझे ये 7 को वापिस से क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 53 माइनस 7, तो 53 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 3 गया तो 46, ठीक है। फिर मोर देन 30 में फर्दर हर बार तुम यहां पे जैसे कि ऐड कर रहे थे इंक्रीजिंग हो रहा था, यहां पे क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगा मतलब घटते जाएगा और यहां पे इंक्रीज बढ़ते जाएगा, ठीक है। 46 में से वापस से मोर देन 30 की बात कर रहे हैं, तो ये 4 मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 20 टू 30 वाले जो केस है वो मोर देन 30 में नहीं आएंगे, तो 46 में से मुझे फर्दर 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 42। फिर उसके बाद 42 में से फर्दर मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हर बार इसका प्रीवियस जो है वो हटाना है, ठीक है। 42 में से 2 हटाओ 40, फिर 40 में से 3 हटाओ 37, 37 में से 6 हटाओ 31, 31 में से 7 हटाओ कितना आएगा देखो, 31 में से 7 हटाओगे तो ये 1 गया तो 6 तो 24,
फॉर द 24 में से 9 हटाओ, तो कितना आया देखो, 24 में से 9 हटाया 15, और लास्ट केस 15 में से 8 हटाओ, तो देख सकते हो अपना डायरेक्टली यहां पे जो लास्ट में अगर तुम्हारा मैच हो गया इसका और इसका काम हो जाएगा। तुम देख सकते हो मोर देन 90 में कितने हैं, 7 लोग हैं, तो 90 और 100 मतलब मोर देन 90 हो गया ना, तो उसमें भी देखो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए 7। अगर ये तुम्हारा मैच हो रहा है लास्ट वाला केस, इसका मतलब तुमने मोर देन सही लिखा है। अगर नहीं कर रहा हो मैच, अगर नहीं हो रहा मैच, तो एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक करना पड़ेगा। तो ये दो टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होते हैं, ठीक है, ये होता है लेस देन टाइप, ये होता है मोर देन टाइप, दोनों को अच्छे समझ में आना चाहिए। हम लोग यूजुअली जो फॉलो करेंगे मीडियम के में, मीडियम में निकालने के लिए, तो हम लोग ये लेस देन वाला टाइप फॉलो करेंगे। अच्छा एक और चीज, तुम मोर देन यहाँ पे जो टेबल है इसको तुम उल्टे तरीके से भी निकाल सकते हो। तुम सोचो मोर देन 90 से स्टार्ट करो, तो मोर देन 90 में कितने हैं, 7 लोग हैं, यहां से 7। फिर मोर देन अगर 80 मतलब नीचे से ऊपर बनाओ टेबल को, फिर मोर देन 80 तो 7 और 8 दोनों को ऐड कर दो 15, फिर 15 प्लस 9 ऐड कर दो 24। तो इस तरीके से नीचे से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत कर देना, एग्जाम में प्रॉपर वे से उसको जैसा उसने मांगा है वैसा ही करना। ये बस बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज ये भी ट्रिक होती है कि तुम नीचे से ऊपर इसको बना सकते हो, सेम ही चीज रहेगी, ठीक है। तो ये लेस देन टाइप है, ये मोर देन टाइप है, दोनों चीज अच्छे समझ लो। इसमें मुझे और कुछ तो बताने लायक नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कुछ इस पे क्वेश्चंस एग्जांपल जैसे भी है सब कुछ कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना मेन टॉपिक है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, मीडियन ऑफ ग्रुप देन अनग्रुप डेटा, ठीक है। पहले इतना अच्छे से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझो और नोटबुक में अच्छे से एक एक करके लिखो। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप देन अनग्रुप डेटा। तो इस डेटा को समझना है सबसे पहले मीडियन क्या है, पहले तो ये समझते हैं मीडियन आफ्टर ऑल है क्या। जैसे कि हमने देखा मीन मतलब क्या होता है कि सब चीजों का एवरेज वैल्यू, जैसे कि किसी क्लास का एवरेज, कोई क्लास एवरेजली कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना है तो हम लोग मीन का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर कोई हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो होता है मोड, ठीक है। तो ये मीन एंड मोड अलग चीज होते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब अगर कोई डेटा हमारे पास है और उस अगर डेटा को मैंने कुछ असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया, मतलब सब नंबर्स को अच्छे से प्रॉपर वे से अरेंज किया है ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ ऑर्डर में मतलब अरेंज करने के बाद नंबर्स अगर उसका जो सबसे बीच में जो वैल्यू है, जैसे कि इमेजिन करो सपोज हमारे पास 5 नंबर्स है और इन 5 नंबर्स को मैंने अच्छे से नॉर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जैसे कि चलो मान लो 7, 8, 9, 10, 11, तो 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, तो इन 5 नंबर्स का सबसे जो बीच में जो नंबर आ रहा है कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 7 और 8 तो ये तो पहले के दो हो गए, 11 और 12 तो ये तो लास्ट के दो हो गए, तो सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला यानी 10। तो इसका मतलब मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है सबसे सेंट्रल नंबर व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस या फिर ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 5 नंबर्स है तो यहाँ पे 5 में यहां से भी उसका थर्ड नंबर आ रहा है, यहां से भी उसका थर्ड नंबर आ रहा है, इसलिए अगर तुम उल्टा भी देखोगे तो देखो 12, 11, 10, 9, 8 तो इस तरीके से भी देखोगे तो वो भी इसमें 10 ही क्या होगा, अपना मीडियन रहेगा। तो मीडियन मतलब क्या होता है, सबसे सेंट्रल नंबर व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा इसका प्रॉपर, इट इज डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट और द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी में इंक्लूड किया जाता है, वो एक्चुअल में सबसे मिडिल नंबर है, ठीक है, या फिर इसको सेंट्रल ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। When the observations are arranged in either an increasing यानी ascending or descending यानी decreasing order of their magnitude, तो जो भी उसकी value है उसके हिसाब से अगर सब मैं observations को increasing मतलब arrange किया, तो इसका मतलब उसके बाद जो सबसे middle observation है, बीच वाले जो observation है वो क्या रहेगा, अपना median। तो बहुत simple सा concept है। The median divides the arranged series into two equal parts, जैसे कि मैंने 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 numbers लिए थे, तो ये क्या करता है, जो मीडियन होता है वो मीडियन हमेशा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, कि मीडियन के राइट लेफ्ट साइड में देखोगे तो मीडियन के लेफ्ट साइड में भी दो नंबर्स है और मीडियन के राइट साइड में भी दो नंबर्स है, तो मीडियन हमेशा ऑब्जर्वेशंस को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो देखो 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाए बिलो द मीडियन एंड द रिमेनिंग आर अबव इट, तो हमेशा 50% इसके नीचे लाए करेंगे और 50% इसके ऊपर लाए करेंगे, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है इक्वल हिस्सों में, ठीक है।
मीडियन ऑफ अ डेटा डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मीडियन जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 5 थे यहाँ पे, तो हमें 5 थे इसलिए तो पता चला ये थर्ड वाला नंबर रहेगा। अगर सपोज 7 होते, ठीक है, 7 होते तो कौन सा होता, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा होता, तो ये फोर्थ वाला होता, राइट। वन मतलब फोर्थ, ये हो यहां से 3 नंबर्स है, पीछे भी 3 नंबर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियन जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उस पर पूरी कहानी बेस्ड होती है, ठीक है। इसलिए मीडियन ऑफ अ डेटा डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा फिर मीडियन का मतलब। देखो जैसे कि मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, पूरा रॉ डेटा है, ठीक है, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा कुछ नहीं है, रॉ डेटा है, सीधा लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है। अब इसके बारे में देखते थोड़ा सा, तो देखो 3 4 5 2 5 7 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे तो और भी कुछ चीजें देखो, यहाँ पे अभी सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो सबसे छोटा जो नंबर है कौन सा, 1, वो तो एक ही बार आ रहा है, फिर देखो 2 भी एक ही बार आ रहा है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तुम चाहिए तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हो 2, फिर इसके बाद 3 1 2 3, तो 3 बार 3 आ रहा है, तो 3 बार 3 लिखोगे ऐसे, ठीक है, 4 1 2 4 दो ही बार आ रहा है तो 4 को 2 बार लिखोगे, 5 1 2 3 तो 3 बार 5 लिखोगे, ठीक है, 6 1 2 तो 2 6 है, ठीक है, 7 7 कितनी बार आ रहा है, देखो 7 1 2 तो 2 7 है, ठीक है, 8 8 एक ही बार आ रहा है, ठीक है, 9 तो है नहीं, और तो सब खत्म हो गया, देख लो एक बार सब, 1 कैसे चेक करोगे, टोटल नंबर नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 15। अब सोचो 15 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है टोटल में, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ रिपीट भी हो रहा है, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस पूरी कहानी इसी पे डिपेंड होने वाली है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो 15 है, तो सोचो अब ये जो अरेंज मैंने किया है, आगे से और पीछे से आते जाओ, 1 2 3 4 5, यहां पे भी देखो 1 2 3 4 5, ये पीछे से 5 हो गए, ये आगे से 5 हो गए यहां तक, फिर देखो ये 6, ये 7, अब देखो ये जो नंबर है ये दोनों का मतलब पूरे सीरीज का मिडिल ऑब्जर्वेशन है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, मिडिल मोस्ट पॉइंट है, देखो यहां से इसके पीछे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पीछे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे भी 7 है, इसका मतलब देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू कौन सा ऑब्जर्वेशन था ये, देखो सोचो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8, तो मीडियन इज द 8th ऑब्जर्वेशन, बट 8 आंसर नहीं रहेगा अपना, 8 वैल्यू नहीं है, वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है 8th वाला, जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करके लिखा है, तो देखो 8th ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 5। तो इसका मतलब मीडियन जो इस सीरीज का है, यानी ये सीरीज का जो मीडियन है वो है 5। सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे अभी कुछ अलग चीजें हैं। कई बार क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा एग्जैक्टली 1 आया, कई बार क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे, तो उस केस में कुछ चीजें अलग हो सकती है। जैसे कि ये देखो, इसको पहले अरेंज करते हैं, तो 1 देखो कहीं है क्या, नहीं, 2 1 है, एक ही 2 है बस, फिर उसके बाद 3 कितना है, 1 2 2 3 है, फिर उसके बाद 4 1 2 4 है, ठीक है, 5 तो 1 भी नहीं है, 6 1 है, 7 2 है, 8 1 है, 9 भी 1 है, 10 भी 1 है, 11 12 15, एक बार चेक कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इस केस में 14 है। तो अब इसका सेंट्रल मोस्ट पॉइंट निकालते चलो, तो आगे से और पीछे से तुम चीजों गिनना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 14 है, तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो देखो आगे से और पीछे से में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, आगे पीछे से में ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और ये आगे से में ये भी सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आ रहा है,
तो एग्जैक्टली यहाँ पे मिडिल पॉइंट जो है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट एक सिंगल नंबर नहीं है, यहाँ पे दो नंबर है, दो मिडिल पॉइंट है। तो इसका मतलब जब भी ऐसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन आता है तो हमेशा यही होने वाला है तुम्हारे साथ कि दो ऑब्जर्वेशन आएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हमेशा तुम्हारा एक ही ऑब्जर्वेशन आएगा, ये कहानी चलती रहेगी ऐसी, ठीक है। तो इस केस में दो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, लेकिन मीन, मीडियन एंड मोड हमेशा पर्टिकुलर एक ही वैल्यू प्रोवाइड होगा, मतलब एक ही दिया रहेगा, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो मीडियन को निकालोगे कैसे, तो मीडियन विल बी मीन ऑफ, ठीक है, तो आगे से देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, मीन ऑफ सेवेंथ एंड एट ऑब्जर्वेशन। तो जो भी सेवेंथ और एट ऑब्जर्वेशन है इनका दोनों का मीन निकालना है। अब मीन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का मीन, तो अगर x और y दो चीजें हैं उनका मीन कैसे निकालोगे, x प्लस वाई अपॉन टू, अपॉन टू क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चीजें दो है। तो इसमें भी देखो दो चीजें हैं, तो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन भी सेवन है, एट ऑब्जर्वेशन देखो फर्स्ट से लेके एट, ये एट ऑब्जर्वेशन है, ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों का सम सेवन, मतलब दोनों सेवन सेवन, तो मीन मतलब क्या होगा, सेवन प्लस सेवन बाई टू विच इज इक्वल टू फोर्टीन बाई टू विच इज इक्वल टू सेवन। हेंस इसका जो मीन है वो एक्चुअल में कितना है, वो है सॉरी मीडियन जो है वो है सेवन। इनफैक्ट हमें हर बार जब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आएंगे, हर बार तुम्हें यही करना है कि जो दो मिडिल टर्म्स आएंगे, जो दो मिडिल मोस्ट या फिर दो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन आएंगे, उन दो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन का हमेशा तुम्हें मीन निकालना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अभी यहां पे स्टार्ट करते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में जैसे कि हमने मीन और मोड में भी देखा था कि पहले हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए करते थे, तो सेम हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले अनग्रुप डेटा के बारे में, फिर इसके बाद मैं कुछ डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, एंड फाइनली हम लोग ग्रुप डेटा पे भी आएंगे। तो ये पूरा एक सीरीज ऑफ चेन ऑफ पूरा टॉपिक चलने वाला है, तो उस तरीके से पढ़ने वाले हैं। डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, बस कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो कि तुम्हें याद रखनी पड़ेगी इसमें। तो देखो ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में इसके लिए, ये देखो एग्जैक्टली इसके बारे में मैंने कहानी लिखी है। सबसे पहले एन बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट दे आर अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हें हर बार निकालना है। मीडियन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन देख सकते हो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर एन की वैल्यू, ये जो एन है, अगर वो ऑड आ रहा है तो सिंगल ऑब्जर्वेशन आएगा। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आया, देखो एट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने थे 15, ठीक है, ये एन की वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 15 प्लस 1 बाई टू यानी कितना, 15 प्लस 1 16 बाई टू यानी 8, 8 ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 8 ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो वो है 5। तो इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा मीडियन 5। सिमिलरली अगर एन इवन है, देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ रहा है, तो हमने क्या किया, मीन निकाला। किसका मीन, तो मीन ऑफ एन बाय टू एट एंड एन बाय टू प्लस 1/8 ऑब्जर्वेशन। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन प्लस 1 बाय 2 है, ये एन बाय टू प्लस 2 और एन बाय टू प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये एन प्लस 1 बाय 2 है और यहाँ पे एन बाय टू प्लस 1 है। देखो हर बार क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो तक एग्जैक्ट इंटीजर ही आना चाहिए। तो अगर तुम्हारा एन इवन है तो बाय डिफॉल्ट तुम एन को डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, लेकिन अगर एन ऑड है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर सकते हो क्या, नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑड है तो प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 करो, और इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करो तो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आएगा। एंड सिमिलरली उसका प्लस एक और, जैसे कि देखो यहाँ पे तुमने एन की वैल्यू क्या है 14, तो 14 को 2 से डिवाइड करो, तो 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7th, तो 7th ऑब्जर्वेशन, और 7th का अगला कौन सा, तो 8th, तो 7th और 8th ऑब्जर्वेशन का तुम्हें निकालना है मीन। तो देखो मीन ऑफ एन बाय टू एट ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू में एक और प्लस 1 कर दिया तो उसका भी ऑब्जर्वेशन, और दोनों ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो ये तो वो मीन कहलाएगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था कि तुम लोगों को पूरा एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए मीडियन का, ठीक है। मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो चलो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स निकालते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 कितना होगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 27, 25, 29, 10, चेक कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है।
तो इसके अलावा और कोई अगर प्राइम नंबर मिस तो नहीं हो गया ना, देख लो एक बार, सब सही है क्या? 25, 27 नहीं है, 20, 21 भी नहीं है, 18, 19 सही है बिल्कुल, 79 ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है और इसका तुम्हें निकालना है मीडियन। तो कैसे निकालोगे मीडियन, तो देखते जाओ। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें पता ही है क्योंकि नाम में ही लिखा है 10 ऑब्जर्वेशन, 10 प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितना है 10, मतलब n की वैल्यू है 10। अब n अगर 10 है तो कौन सा कैसे देखो, ऑड या इवन? तो ये तो इवन है ठीक है, इवन मतलब तुम्हें जब भी इवन आएगा तो तुम्हें मीन निकालना है, ऑड आएगा तो डायरेक्टली तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा उसमें, लेकिन इवन है तो मीन निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, ये देखो अभी इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है क्योंकि उसी ऑर्डर में हमने लिखा है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लोग इसमें यह भी गलतियां करते हैं कि कई बार अगर डेटा गिवन है तो उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं, तो उन्हें करना है प्रॉपर वे से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एन इज इक्वल टू 10। अब 10 जो है वो इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय 2 यानी 10 बाय 2, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ठीक है, 10 को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 को डिवाइड बाय 2 करके प्लस 1 किया तो 5 प्लस 1 विच इज, या फिर डायरेक्टली सोच सकते हो 5 का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ठीक है अपॉन 2 ठीक है। तो देख लेना एक बार अच्छे से अरेंज है कि नहीं, बस अरेंज है तो इसका मतलब तुम यहां से निकालो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 प्लस 13 बाय 2 विच इज इक्वल टू 24, देख सकते 24 बाय 2 दैट इज इसका जो मीडियन है वो है 12। मतलब पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का जो मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 12 ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, जरूरी नहीं कि यहां पे जो भी आंसर आएगा वो इसी सीरीज में से कोई आएगा, हो सकता है उसके अलावा भी कोई आंसर आए, जैसे कि देखो 12 प्राइम नंबर में है क्या? नहीं, लेकिन वो अपना मीडियन आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है इसको अच्छे से नोटबुक में, समझो पहले इस मीडियन का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ के लिखो क्योंकि आगे जो भी कहानी है वो इसी पे बेस्ड होने वाली है ठीक है। तो लिख लो इसको अच्छे से, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जिसमें थोड़ा सा भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहानी यूज होने वाली है। तो पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो, आगे बढ़ते चलो फिर लास्ट पार्ट कवर करते हैं आज की क्लास का, जो कि मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो तुम लोग सोच रहे हो डिस्क्रीट सीरीज क्या है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसे टाइप के जो भी अगर सीरीज दिखते हैं वो एक डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब जैसे कि हमारा रॉ डेटा जो होता है और उसको मैं टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक्स साइज है पर्टिकुलर और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, ये सब हमने पहले भी देखे हैं, बस मैंने नाम जो है वो इसको अभी पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट मतलब हर एक्स वन के लिए पर्टिकुलर कुछ एफ वन या फिर एक्स टू के लिए एफ टू रहेगा, एक्स थ्री के लिए एफ थ्री रहेगा, तो हर एक नंबर के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन रहेगी टेबुलर फॉर्म में, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये ग्रुप डेटा भी नहीं है, ये अनग्रुप डेटा के फॉर्म में ही है क्योंकि यहाँ पे बस देखो क्लासेस दिया है, मतलब क्लास भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे बस एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दिया है और उस ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग कितनी बार फ्रीक्वेंसी है उसका वो दिया है, मतलब 23 बार आ रहा है, 29 4 बार आ रहा है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, जो हमने बहुत पहले भी किया है, हमने इसके मीन भी निकाला है डिस्क्रीट सीरीज का, इसका मोड भी निकाला है डिस्क्रीट सीरीज का, मोड तो बहुत सिंपल है निकालना, सीधे देख लो सोचते हाईएस्ट नंबर 9 है तो 19 हो गया इसका मोड, तो 19 मार्क्स सबसे ज्यादा लोगों ने स्कोर किया है, तो इसका मतलब मोड ऑफ द क्लास इज 19। तो ये सब चीजें बहुत हमने पहले भी की है, बस ये पहली बार डिस्क्रीट सीरीज तुम लोगों को नाम बता देता हूं, अब से याद रखना। फिर स्टेप्स सेम स्टेप्स से कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस मीडियन निकालने के लिए जब तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालना है, जैसे हमने रॉ डेटा के लिए देखा था मीडियन कैसे निकालते हैं, वैसे सेम चीज है ठीक है, बस यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी के जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों निकालना पड़ेगा चलो देखते हैं, तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे देखो मार्क्स टेबल बनाओ, वर्टिकल मार्क्स, सबसे पहले इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन सा देखो 19, तो 19 को सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद कौन सा देखो 19 के बाद 20 को लिखो, फिर उसके बाद 20 का कौन सा देखो 28 और 29, फिर उसके बाद कौन सा देखो 35, 42, 51। तो ये सबसे पहला काम रहेगा सबका कि यहां पे अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर, मीन के लिए हमेशा तुम्हें अरेंजिंग करना पड़ेगा ठीक है, तुम डायरेक्टली निकालते हुए नहीं चल सकते ठीक है,
तो इसका फ्रीक्वेंसी एक नेक्स्ट टेबल निकाल लो। अब ऐसा रैंडम मत लिखना, प्रॉपर 19 का 9 है तो उसके हिसाब से लिखते चलना। 19 का 9 है, 20 का 3 है, 28 का 5 है, 29 का 4 है, 35 का 2 है एंड 42 का 7 और 51 का 3। तो इस तरीके से प्रॉपर वैसे तुम्हें लिखते चलना है। अब तुम्हें एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करना है खुद से, जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक एक करके ऐड करते जाओ। देखो यहाँ पे अभी तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तुम्हें लेस देन टाइप के लिए बनाना है। मैंने कहा था कि मोर देन टाइप बहुत कम जगह यूज होता है, लेस देन टाइप ही हर जगह यूज करना है। ठीक है, मतलब लेस देन टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पे 9 है तो स्टार्ट करो 9 से, फिर उसके बाद 9+3, मैं डायरेक्ट लिख दू यहाँ पे 12। ठीक है, समझ जाना तुम लोग ये लेस देन टाइप का ही है। ठीक है, 12, फिर 12+5 17, 17+4 21, 21+2 23, 7 30 और यहाँ पे 33। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया है। इसका काम क्या आप सोचो, सबसे पहले इसके दो मतलब इसके तो दो काम है। दो काम क्या है, सबसे पहले इसने क्या बताया हमें, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने हैं, 33, विच इज ऑड। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। दूसरी चीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, अरेंज करने के बाद रॉ डेटा में याद होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और उसके बाद हम लोग सेंट्रल पॉइंट निकालते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो 33 ऑड है तो 33 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें, और 33 ऑड है इसका मतलब हमारा उस केस में जो फॉर्मूला लगता था रॉ डेटा के लिए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगने वाला है। तो इस केस में एन ऑड है तो इसका मतलब मीडियन इज इक्वल टू कौन सा, 33 + 1/2, 33 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कौन सा आएगा देखो, 33 + 1 = 34/2, दैट इज 17th ऑब्जर्वेशन। तो अपना काम यहाँ पे आके पूरा नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे बोले 17th ऑब्जर्वेशन। तो अगर तुमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं निकाला होता तो तुम यहाँ पे 17th ऑब्जर्वेशन ढूंढने में तुम्हें दिक्कत जाती, बट क्योंकि तुमने यहाँ पे 17th मतलब क्योंकि यहाँ पे तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है तो तुम बस यहाँ पे 17th ऑब्जर्वेशन ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे, उसके लिए भी स्टेप लिखा है देखो। फॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू द पोजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली जो 17th ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे कि कौन से में आ रहा है। ठीक है, 17th ऑब्जर्वेशन। तो सोचो एक चीज कि 19 जो है वो 9 बार आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ रफ में, ठीक है, 19 ऐसे 9 टाइम्स आया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 टाइम्स, 19, 9 लोगों ने स्कोर किया है। फिर 20 उसके बाद 3 बार आया। ठीक है, यहाँ पे 3 बार ऐसे 20 आया। फिर उसके बाद 28 5 बार आया। तो एक चीज सोचो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे 17th ऑब्जर्वेशन निकालते हो तो यहां से स्टार्ट करते हुए चलना है, यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये नाइन्थ, फिर ये 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, यानी अपना जो 17th ऑब्जर्वेशन आएगा वो आएगा 28। तो इसका तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो इस केस में, जो होगा 28। तो इस डेटा का मीडियन होगा 28। लेकिन अगर तुम्हें ये सब ऐसे नहीं करना है, कई बार डेटा ज्यादा होगा तो उसमें ये सब तुम्हें नहीं करना है एक एक करके रॉ डेटा, तो तुम यहाँ पे देखो 17th ऑब्जर्वेशन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 9, फिर 12, 12 हो गए, 12 ऑब्जर्वेशन हो गए, फिर 17 ऑब्जर्वेशन हो गए, लेकिन मुझे 17th ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, तो यहां तक मेरे 17 ऑब्जर्वेशन हो गए हैं, तो तुम्हारा 17th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा 28। तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो भी अपने एक्साइड डेटा है, वो ऑब्जर्वेशन जो भी है उसको तुम्हें आंसर में लिखना है। तो वही यहाँ पे लिखा है, फॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू द पोजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखो जो कि इससे जस्ट ज्यादा या फिर इसके पास में होनी चाहिए। तुम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे 17 ऑब्जर्वेशन यहाँ तक हो गए हैं तो 17 जो ऑब्जर्वेशन है वो 28 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 28। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। वापस से ऑप्टेन द मीडियन है, ठीक है, वापस से यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें वापस से तुम क्या करोगे, एक्स वाई, अब यहाँ पे देखो एक्स और वाई दिया है तो तुम बाय डिफॉल्ट समझ जाना ये एक्स जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन है एंड वाई जो है इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। तो
तो तुम्हें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वर्टिकल टेबल बनाना चालू करो। तो एक्स वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सब 9 ऑब्जर्वेशन लिख लिए, 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9, 6। तो देख लेना यहां पे सबको मैंने पहले से अरेंज किया है, पहले से अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अरेंज नहीं था तो इसलिए मैंने अरेंज किया। अगर तुम यहां पे अरेंज नहीं करते तो तुम्हारा गलत आंसर आएगा, ठीक है। तुम्हें हमेशा इसको अरेंज करना है, अगर अरेंज नहीं है तो, ठीक है। फिर उसको निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर देखो 8 है तो 8 ही रहेगा, 8 plus 10, 18, 18 plus 10, 11, 29, 29, 39 और 6, 45, 45 और 20, 65, 65 और 25, तो ये हो जाएगा 90, 90 और 15, 105, 105 और 9, तो ये हो जाएगा 114, और 114 और 6 बन जाएगा 120। मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो आ गए हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू कितना है, n विच इज 120, लेकिन अब क्या है, इवन। तो याद करो, अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन जो होगा वो रहेगा मीन ऑफ n बाय 2th, यानी मीन ऑफ n बाय 2, यानी इसका आधा, 60th ऑब्जर्वेशन एंड 60th का नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा है, 61st ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों का तुम्हें मीन निकालना है। तो सोचो 60th ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ। अब देखो 8, 18, 29, 45, यहां तक तुम्हारे हो गए 45, ठीक है। अब 45 के जस्ट आगे वाला 45, मतलब 4 जो है लास्ट में, जब 4 खत्म होगा तो 45th ऑब्जर्वेशन रहेगा। उसके जो 60th ऑब्जर्वेशन जो आएगा वो कौन सा आएगा सोचो, तो वो 5 आएगा, क्योंकि देखो 45 ऑब्जर्वेशन तक 4 खत्म हो गया, उसके बाद 5 की बारी चालू हुई। 5 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। तो जो 60th ऑब्जर्वेशन जब रहेगा, तो जब तुम ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखोगे तो 60th ऑब्जर्वेशन भी 5 आएगा एंड 61st ऑब्जर्वेशन भी 5 आएगा। अगर यहाँ पे सपोज 65th ऑब्जर्वेशन की बात करते तो वो भी 5 रहता, लेकिन अगर 66th ऑब्जर्वेशन की बात करते तो वो 6 हो जाता। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट, वो सब समझ में आना चाहिए। तो 60th ऑब्जर्वेशन 5 है, 61st ऑब्जर्वेशन भी 5 है, ठीक है। और दोनों का मीन लिया है तो 5 + 5/2 विच इज 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। हेंस इस सेकेंड एग्जाम्पल का भी मीडियन जो है वो आ रहा है 5। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालना भी आना चाहिए। अगर तुम्हें इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट जा रही है तो तुम लोग पूछ सकते हो। और आज के लिए मैं ये भी खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, ग्राफ को सब में तुम चाहिए तो बाद में समझने के लिए आ सकते हो, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जो भी खत्म हो जाएगा वो ओजाइव वाला जो भी है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वो सब मैं वीडियो के थ्रू कुछ समझा नहीं रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर लूंगा, एक और लेक्चर ऑफकोर्स होने के बाद। मीडियन ऑफ, पहले तो क्या बचा अपना, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा बचा है। जैसे कि अपना मोड ऑफ ग्रुप डेटा के लिए भी फॉर्मूला था, वैसे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। वो सब मैं चीजें कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज मैं इसके बाद भी कवर करूंगा, जो कि रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में, तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर करके पूरा चैप्टर अपना खत्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे थोड़े से, जो भी मीन, मीडियन एंड मोड सब इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो सब भी देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास की बात। अभी के लिए मीडियन को अच्छे से समझो, जो भी मैंने आज क्वेश्चंस करा उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, और अगर कोई भी डिफिकल्टी जा रही है तो पूछो। होमवर्क में मैंने कुछ असाइन किया है यहाँ पे, होमवर्क स्टडी मटेरियल सेशन में एक्सरसाइज 14.2 या फिर 14.3 जो भी है, देख लेना एक बार जाके, उसमें मैंने भेज दिया है 14.2 मेरे ख्याल से, और उसके तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मेरे ख्याल से वो मोड पे क्वेश्चंस है, तो मोड पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा जैसे ही खत्म हो जाएगा तो 14.3 भी मैं अटैच कर दूंगा, और उसको भी तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, इतना ही आज के लिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय।